नमो नमः विद्यार्थी वृंद, आठवीं कक्षा के संस्कृत के सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत। हम श्लोक नंबर 5 को लेकर के अभी चर्चा करेंगे। श्लोक नंबर 5 में हमें ये बताया है कि हमें एक अच्छा मित्र किस प्रकार से बनाना चाहिए, कि कौन कौन से उसके अंदर गुण होते हैं। अच्छे मित्र की पहचान इस श्लोक में बताई गई है कि वह किस किस प्रकार से हमारा सहायक होता है। तो आइए जरा देखिएगा, सबसे पहले श्लोक देखें। पापात निवारयति योजयते हिताय, गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रकटीकरोति, आपदगतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्रम इदम लक्षणम प्रवदन्ति संताः। इसका अन्वय देखें, इसमें क्या कहा कि सन्मित्र सत प्लस मित्र यदि संधि विच्छेद करें तो सच्चा मित्र। पापात निवारयति, पाप से, पांचवी एकवचन है, अपादान से जुदाई। सच्चा मित्र पाप से बचाता है। हिताय योजयते, हित के लिए लगाता है। योजयते जोड़ता है, मतलब हित माने भलाई के कार्यों में लगाता है। गुह्यम निगुह्यति, गोपनीय बातों को छुपाता है, अर्थात जिन बातों से मित्र की बेइज्जती हो सकती है, समाज में बेइज्जती हो सकती है, ऐसी बातों को छुपाता है। गुणान प्रकटीकरोति, मित्र के अच्छे अच्छे गुणों को ही लोगों के सामने बताता है, प्रकट करता है। काले सहायम ददाति, जरूरत पड़ने पर सहायता करता है, यानी जब आपकी जरूरत है तो आपकी सहायता करता है। आपत गतम च न जहाति, आपत यानी मुसीबत के समय, आपत्ति काल में वह नहीं छोड़ता है। चाहे मैंने और न मैंने नहीं, जहाति छोड़ता है यानी आपत्ति के दौरान आपका साथ देता है, आपको छोड़ता नहीं है। संतः महान लोगों ने, सज्जन पुरुषों ने, संतों ने इदम लक्षणम प्रवदन्ति सन्मित्रम, सच्चे मित्र के ये लक्षण बताए हैं। महान लोगों ने सच्चे मित्र के ये लक्षण बताए हैं। इसका भावार्थ देखें कि संतः माने सज्जन, यानी अर्थात श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ जनस्य इदम लक्षणम वदन्ति, महान लोगों के ये लक्षण बताते हैं, सच्चे मित्र के ये लक्षण बताते हैं। क्या कि सन्मित्रम पापात दूरीकरोति, सच्चा मित्र अपने मित्र को पाप से दूर रखता है। हितकराणि कार्याणि कर्तुम प्रेरयति, हितकर जो हित करने वाले, अपना और दूसरों का हित करने वाले हैं, भलाई करने वाले हैं, ऐसे कार्यों के लिए वह प्रेरित करता है। मित्रस्य दुर्गुणान सर्वेषां समक्षे न कथयति, मित्र की बुराइयों को, दुर्गुणों को, जिससे उसकी बेइज्जती हो सकती है, ऐसे बुरी बातों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करता, दूसरों के सामने नहीं कहता। अपितु गुणान एव प्रकटीकरोति, बल्कि गुणों को ही दूसरों के सामने बखान करता है, प्रकट करता है। आपत्काले अपि स मित्रम न त्यजति, और मुसीबत के समय भी वह मित्र को नहीं छोड़ता है, अपितु बल्कि तस्य सहायतां करोति, उसका सहायता करता, उसका सहयोग करता है, उसकी सहायता करता है। तस्मै सर्वविधं सहयोगं यच्छति, और उसको जिस प्रकार की भी जरूरत होती है सब प्रकार का सहयोग करता है। अब यहाँ इसके शब्दार्थ देखें। संता माने महान लोग या सज्जन लोग, सन मित्रम सत प्लस मित्रम सच्चे मित्र की या सच्चे मित्र को, इदम के इदम इदम ये लक्षणम लक्षण या पहचान प्रवदंती बताते हैं। सच्चा मित्र कैसा कैसा होता है, क्या कि सच्चा मित्र पापात पाप से निवारयति बचाता है, निवारण करता है। हिताय भलाई के कार्यों में, हित के कार्यों के लिए योजयति लगाता है। गुह्यम गोपनीय बातों को, निगुह्यति गुप्त रखता है, प्रकट नहीं करता। जिन बातों से मित्र का अपमान होने का डर होता है वह दूसरों के सामने प्रकट नहीं करता। गुणान गुणों को प्रकटीकरोति, प्रकट करता है, दूसरों के सामने बताता है। चाहे मैंने और, आपदगतम मुसीबत के समय, मुसीबत में फंसने पर न जहाती छोड़ता नहीं है। काले मुसीबत के समय सहायम ददाती, सहयोग देता है, सहायता करता है। अब इसके प्रश्नोत्तर देखें, एक पद में उत्तर दें। पापात कह निवारयति, पाप से कौन बचाता है, तो सन्मित्रम। सन्मित्रम कस्मात निवारयति, वो पापात हो जाएगा। सन्मित्रम सन्मित्रस्य लक्षणम के वदन्ति, सन्मित्रस्य लक्षणम संतः वदन्ति, महान लोग सच्चे मित्र के लक्षण बताते हैं। तो के वदन्ति इति संतः। हिताय कः योजयति सन्मित्रम, सन्मित्रम किं न प्रकटीकरोति, गुह्यम
निगुपनी गोपनीय बातों को प्रकट नहीं करता, तो गोह्यम निगोह्यते, गोह्यम न प्रकटीकरोति। पूर्ण वाक्य में उत्तर दे, गोह्यम कः निगुह्यति, गोह्यम सनमित्रम निगुह्यति, सनमित्रम मानवम कोतः न प्रजहति, सनमित्र मनुष्य को कहां से नहीं छोड़ता, आपत गतम च न जहाति, सनमित्रम मानवम मानवम आपत गतम न जहाति। कहा सनमित्र से गुणान प्रकट करोति, कौन सच्चे मित्र के गुणों को प्रकट करता है, तो मित्र के गुणों को प्रकट करने वाला तो सच्चा मित्र ही है, तो सन्मित्रम मित्र से गुणान प्रकटी करोति। सन्मित्रम कदा सहायम करोति, आपत काले मुसीबत काले सन्मित्रम सहायतम करोति। निर्देश के अनुसार उत्तर देंगे, प्रवदंती क्रिया कर्तृपदम किम, तो संता हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा श्लोक कति पदानी, ढूंढ करके लिखे। तीसरा त्यजति इति अर्थ है श्लोक किम पदम प्रयुक्ति, जहाति जहाति त्यजति, त्यजति जहाति, दोनों समान अर्थी हैं। चौथा है श्लोके निगूहयति पदस्य विलोम किम, तो प्रकटीकरोति, निगूहयति छुपाता है, प्रकटीकरोति प्रकट करता है। तो इस प्रकार से आपने इस श्लोक के प्रश्नोत्तर, इस श्लोक की हिंदी अपनी कॉपी में लिखनी है और आपको तैयार करना है। धन्यवाद।